डियर स्टूडेंट्स वेलकम। आपका दोस्त शेख बशीर हाजिर है आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ में जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है उसमें दो कॉम्पिटेंसीज है, एक तो फैक्टर थ्योरम और दूसरी जो है वो रिमाइंडर थ्योरम। आज हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और इनका इस्तेमाल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से हम इस करेंगे और इसको आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फैक्टर थ्योरम से। ये फैक्टर थ्योरम क्या है, पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे जो आपने अपनी बुक पे भी देखा होगा। इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन आर ग्रेटर देन वन, देन एक्स माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। इफ एफ इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, दैट इज इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। मैं आपको सिंपल तरीके से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री वन हो या वन से ज़्यादा, यानी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल हो, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, या आपके पास क्यूबिक हो या उससे भी बड़ी डिग्री की पॉलिनोमियल हो आपके पास, तो अगर उसका कोई ज़ीरो आपको पता है, तो फॉर एग्जांपल ए उसका कोई ए बींग ए रियल नंबर उसका कोई ज़ीरो है, तो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर होगा। यानी अगर आप उस पॉलिनोमियल को एक्स माइनस ए से फिर डिवाइड करेंगे, इफ द पॉलिनोमियल इज इन एक्स वेरिएबल, सो द पॉलिनोमियल विल बी एग्जैक्टली डिवाइजिबल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, यानी देयर रिमेन्स नो रिमाइंडर। तो इसको क्लियरली और अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स का सहारा लेंगे। जैसे एग्जाम्पल वन में यहाँ पे ले रहे हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस सिक्स। दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, आपको पता है क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो वन है। तो इस पर हम ट्राई करते हैं फैक्टर थ्योरम क्या कहती है। फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री वन या वन से ज्यादा है, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, और एक्स माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा अगर ए उसका जीरो है। तो हमें पता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसका जो जीरो है एक्स इज इक्वल टू टू इज अ जीरो, यानी अगर आप x के बदले 2 का वैल्यू देंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 इंटू टू करेंगे तो दैट इज 6, 6 माइनस 6 इज 0, तो 2 यहाँ पे अगर x का वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल जो है इसका वैल्यू 0 होता है। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे a लिखा है तो इसका मतलब है 2x 0 यहाँ पे है। तब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, तब फैक्टर थ्योरम कहती है कि इफ व्हेन यू डिवाइड x माइनस ए, यानी अगर 2 आपका 0 है तो जो x माइनस 2 होगा दैट विल बी द फैक्टर ऑफ 3x माइनस 6। तो देखेंगे x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ 3x 6, तो कैसे हम क्या करेंगे, हम ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं 3x माइनस 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 2। आप देखिए 3 इंटू एक्स माइनस 2 जो है ये बिल्कुल एक फैक्टर बना यहाँ पे, अगर फिर से आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 3x माइनस 6। तो इस तरीके से हम कहेंगे फैक्टर थ्योरम जो कहती है इस के जो जो लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास थी 3x माइनस 6, इसके दो फैक्टर्स हमें मिले, एक तो 3 दूसरा x माइनस 2। तो चलिए अब और एक केस हम लेते हैं एग्जाम्पल 2 जिसमें हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डेफिनेटली हेयर आर टू जीरो, यहाँ पर दो जीरो होंगे क्योंकि जीरो के बारे में हमने पहले से ही जानकारी हासिल की है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है उसमें कितने जीरोज होते हैं, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम कितने जीरोज होते हैं, तो यहाँ पर दो जीरोज मैक्सिमम हो सकते हैं, यानी दो जीरोज होते हैं। तो चलिए आप देखेंगे अगर आप टू वैल्यू करेंगे, माइनस वन वैल्यू आप लेंगे, यानी एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये बिल्कुल आपको यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के जीरोज मिलेंगे। सबसे पहले आप टू पर चेक कीजिए, टू स्क्वायर इज फोर, फोर माइनस टू इज टू, टू माइनस टू इज जीरो, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू इज द जीरो। नाउ इफ यू टेक एक्स इज माइनस वन, माइनस वन स्क्वायर इज वन, माइनस इन टू माइनस वन दैट इज प्लस वन, प्लस वन प्लस वन दैट इज प्लस टू, प्लस टू माइनस टू इज जीरो। सो इन दिस वे यहाँ पर जो एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, दीज आर द टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास जीरो है अल्फा यानी ए तो एक्स माइनस ए इज द फैक्टर, अगर आपके पास बी है जीरो तो एक्स माइनस बी इज द फैक्टर। तो हम फिर क्या कहेंगे, यानी एज पर द फैक्टर थ्योरम हम इस पॉलिनोमियल को फिर फैक्टराइज कर, मतलब ये फैक्टराइज हो सकती है
एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन में। तो देखेंगे एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। तो इसका मतलब है वी शुड एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट फिर से बनाएंगे तो आपके पास यही पॉलिनोमियल आएगी। तो इस तरीके से जो फैक्टर थ्योरम कहती है, तो फैक्टर थ्योरम का यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन की है। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस अलेवन एक्स माइनस सिक्स, दिस इज अ नॉन पॉलिनोमियल। आपने इसके बारे में बिल्कुल ये देखी होगी, इसके जो जीरोज है वन टू थ्री, यानी इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एज वन द होल पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू जीरो। इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ एक्स एज टू द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी जीरो। एंड सिमिलरली इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ एक्स एज थ्री द होल पॉलिनोमियल हैविंग वैल्यू विल बी जीरो। सो दिस मीन्स वन टू थ्री आर थ्री जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए अगर ये है वन टू थ्री क्यूबिक जीरोज है तो फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास? द फैक्टर्स एक्स माइनस वन होगा, एक्स माइनस टू होगा, एक्स माइनस थ्री होगा फिर, राइट? यानी ये इसके पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब है वी शुड एक्सप्रेस एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस अलेवन एक्स माइनस सिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो अगर आप देखेंगे वी कैन राइट एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस अलेवन एक्स माइनस सिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो अगर आप इनका प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द सेम पॉलिनोमियल विच इज मेंशनड ऑन द लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड, दैट इज एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस अलेवन एक्स माइनस सिक्स। तो इन दिस वे वी हैव लर्नड व्हाट एक्चुअली द फैक्टर थ्योरम सेज अबाउट द पॉलिनोमियल्स। सो लेट अस नाउ मूव अहेड टू लर्न अबाउट द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? सबसे पहले उसका भी हम स्टेटमेंट जानने की कोशिश करेंगे, वो हमें क्या कह रही है। If P of x is a polynomial of degree n greater or equal to 1 and a being any real number, when P of x is divided by x minus a, we get the remainder P of a. मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर एक पॉलिनोमियल आपके पास है जिसकी डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा हो, यहां पर मैं आपको एक चीज पूछूं, आपसे एक चीज पूछूं, क्या आपको लगता है कि कोई पॉलिनोमियल ऐसी हो सकती है जिसकी डिग्री 1 से कम हो सकती है, यानी जिसकी डिग्री 0 हो सकती है? इस बारे में आप सोचिएगा जरूर। अगर आपके पास आंसर है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर हो सकता है आपको नहीं आंसर मिल रहा है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो अगली बार जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटी है कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो हो। तो चलिए फिलहाल जो फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम हमें कहती है अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन वन आर वन है, तो ए कोई भी इंटीजर कोई भी रियल नंबर आप लीजिए, तो x माइनस ए यानी अगर आपके पास पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, तो x माइनस ए से जब आप डिवाइड करेंगे उस पॉलिनोमियल को, आपके पास जो रिमाइंडर आखिर पे बचेगा दैट विल बी p ऑफ a, यानी p ऑफ a मीन्स द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट वेरी रियल नंबर। तो इसको आप आगे से कैसे किस तरीके से समझेंगे हम फिर से कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेंगे, उन एग्जाम्पल्स से आपको ये क्लियर होगा कि ये जो रिमाइंडर थ्योरम हमें कह रही है क्या कह रही है। सबसे पहले विल टेक एन एग्जांपल ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस सिक्स। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी एग्जांपल हमने फैक्टर थ्योरम पर फैक्टर थ्योरम के लिए भी ली थी, तो यहां पर भी हम चेक करेंगे। हम यहां पे लेते हैं लेट्स टेक ए इज इक्वल टू वन ए रियल नंबर, यानी ए जो है कोई भी रियल नंबर हम वन लेते हैं ए, तो इसका मतलब है एज पर द रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप आपके पास कोई रियल नंबर है ए एंड इफ यू डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय एक्स माइनस ए, तो जो रिमाइंडर आपके पास बचेगा दैट इज पी ऑफ ए, यानी वो होगा पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दिस वेरी रियल नंबर। ए में यहां पे वन ले रहा हूं, आप देख लीजिएगा, और पी ऑफ वन यहां पे यानी पॉलिनोमियल का वैल्यू में वन पे काउंट कर रहा हूं, जैसे थ्री इंटू वन माइनस सिक्स, थ्री इंटू वन इज थ्री माइनस सिक्स इज माइनस थ्री। तो इसका मतलब है एज पर रिमाइंडर थ्योरम इफ आई डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय एक्स माइनस वन आई शुड गेट रिमाइंडर माइनस थ्री। सो लेट अस डिवाइड एक्टिवली बाय एक्चुअल डिवीजन द पॉलिनोमियल बाय एक्स माइनस वन एंड ऑब्जर्व इफ इट इज रियली माइनस थ्री एज द रिमाइंडर आर नॉट। सो व्हाट आई विल डू,
हम रैली यहाँ पे एक्चुअली करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये पूछ लेंगे हम। उसके बाद डिवाइड किसको हमें करना है, 3x-6 को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किससे करना है डिवाइड, क्योंकि एम यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब है x-1 से आपने डिवाइड करना है। तो x-1 आप यहाँ ले रहे हैं। यहाँ पे आपको डिवाइड पता होगा कि कैसे हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को हम कैसे डिवाइड करते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता के चलूँ आपने क्या करना है। अगर आपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है तो यहाँ पे आपने देखना ये दो चीज़ें। सबसे पहले यहाँ का वेरिएबल और यहाँ जो वेरिएबल है इनको आपने देखना है। यहाँ पर वेरिएबल है एक्स, यहाँ पर भी एक्स है। इसका मतलब है आपने यहाँ पे कोशेंट में एक्स नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप कोशेंट में एक्स लिखेंगे फिर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर। लेकिन इस एक्स को हमने क्या करना है, इस एक्स को हमने 3x बनाना है। बाकी जो भी है उसको आप मत देख लीजिएगा। यानी एक्स को आपने कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना है सो देट इट शुड बिकम 3x। आपके जहन में बिल्कुल आया होगा किसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 3x। हाँ, तो इसका मतलब है हमारा जो क्वोशेंट का डिजिट होगा, पहला डिजिट होगा, पहला जो पार्ट होगा दैट इज 3। अब इस 3 से हमने सिर्फ एक्स को डिवाइड, एक्स को ही मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने -1 को भी मल्टीप्लाई करना है, और जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो इसके नीचे लिखना है अपने अपनी टर्म के नीचे। जैसे 3 × x दैट इज 3x, 3 × -1 दैट इज -3। अब चूंकि ये हमने किया है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जिस तरीके से आप एक्चुअल डिवीजन में न्यूमरिक डिवीजन में फिर माइनस करते हैं, यहाँ पर भी वैसा ही हम करते हैं, यहाँ पर भी हम माइनस करते हैं। लेकिन क्या हम माइनस यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे साइंस को चेंज करते हैं। जैसे अगर ये यहाँ पे जो माइनस था, यहाँ पे माइनस जो था, तो इसको हमने प्लस लेना है, क्योंकि आप देखेंगे जब हम एक -(-) जब आप देखते हैं तो दैट बिकम्स प्लस। तो इसी तरीके से जो लास्ट वाली साइन जो होती है, इसमें जो लास्ट वाली एक्सप्रेशन जो होती है, इसमें जो साइंस होती हैं उनको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हमने प्लस साइन करना है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमें देखना है रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे क्या था, ये 3x-3x, क्योंकि ये भी तो माइनस यहाँ पे बनेगा तो ये तो चला गया। अब यहाँ पे -6 और +3 आपके पास है। -6 को आप 3 - +3 जब जोड़ेंगे तो आपके पास बनेगा -3। इसका मतलब है बाय एक्चुअल डिवीजन वी हैव गॉट द रिमाइंडर एज -3, जो रिमाइंडर थ्योरम ने हमने पहले ही कहा था। चलिए और एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं, देखते हैं कि p(x)(x²-5x+6) दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, डेफिनेटली हेयर आर 2 जीरोज, बट हमें यहाँ पे इस वक्त जीरोज की बात नहीं है, वी विल टेक एनी रियल नंबर। तो उस रियल नंबर को हम देखेंगे, एक फैक्टर बनाएंगे, उसका फैक्टर नहीं एक पार्ट बनाएंगा, उस पार्ट बनाएंगे उससे देखेंगे उससे डिवाइड करने पे क्या फैक्टर थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए सबसे पहले हम जो हमारे पास जो रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम को हम यहाँ पे देखेंगे क्या कह रही है। मैं यहाँ पे दो रियल नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक तो -1, दूसरा -2, यानी दो रियल नंबर्स में सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास इसमें दो रूट रूट्स है, देखूंगा कि दोनों से क्या होगा। तो अगर ए आपका एक रियल नंबर ए -1 है, तो इसका फैक्टर जब हम बनाएंगे तो x+1 आएगा, यानी उसका जो एक फैक्टर बनेगा, फैक्टर तो वो नहीं होगा, फैक्टर उसको हम कहते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो इसी तरीके से अगर बी आपके पास 2 है, तो इसका जो दूसरा पार्ट आएगा दैट इज x-2। तो देखेंगे तो वैल्यू क्या होगा फिर, ए इज इक्वल टू, यानी पी ऑफ -1 क्या होगा और पी ऑफ 2 क्या होगा, वही क्योंकि एज पर द रिमाइंडर थ्योरम वही रिमाइंडर्स हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखेंगे हम कि रिमाइंडर्स क्या है। हम देखेंगे पहले पी ऑफ -1, पी ऑफ -1 का वैल्यू आप जब, यानी एक्स के बदले आपने -1 इंसर्ट करना है तो आपके पास आएगा 12। तो इसके बाद आप देखेंगे पी ऑफ 2 पर जो आएगा, तो पी ऑफ 2 पर आएगा आपके पास 0, यानी रिमाइंडर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताऊं, जब आपके पास रिमाइंडर रिमाइंड एज पर द रिमाइंडर थ्योरम आपके पास 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो उस सूरत में आप कह सकते हैं ये जो x-2 यहाँ पे होगा इट विल बी ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि जब आपके पास रिमाइंडर कुछ नहीं है इसका मतलब है दिस फैक्टर डिवाइड इज द पॉलिनोमियल एग्जैक्टली, सो वी कैन से दिस इज द फैक्टर, रियल फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ लेट अस डू द एक्चुअल डिविजन टू ऑब्जर्व इफ रियली देर हैपन्स 12 एज द रिमाइंडर आर एंड 0 एज द रिमाइंडर इन केस सेकंड, इन केस ऑफ सेकंड। सो फर्स्ट वी विल टेक द केस फर्स्ट एज x+1 एज द फैक्टर। तो क्या करेंगे हम,
सबसे पहले हम डिवाइड किसको हमने करना है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स को, किससे करना है हमने? हाँ, क्योंकि हमने पहला जो नंबर हमारे पास है वो है एक्स, वो है माइनस वन, तो इसका फैक्टर जो बनेगा दैट इज एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन से डिवाइड करना है। फिर भी यहाँ पे आपने क्या करना है, डिवाइड करते वक्त आपको एक्स को आपने एक्स स्क्वायर बनाना है, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है बस इतना ही आपने देना है, बाकी जो वन है इसको रहने दीजिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट आएगा दैट्स एक्स। अब इस एक्स से आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स को भी मल्टीप्लाई करना है और वन को भी मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, और एक्स को जब आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी एक्स, तो यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा। अब हमने साइन को चेंज करना है, जैसे यहाँ पर भी हमने साइन को चेंज, लेकिन अगर करेंगे भी नहीं जरूरी नहीं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा। तो साइन को जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस था, इसको हमने माइनस किया है। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको भी असल में इसको भी हमने माइनस करना है, तब जाके ये हम इसको काट सकते हैं। अब रिमाइंडर क्या हमारे पास बचेगा वो देख लीजिएगा आप, ऊपर माइनस फाइव एक्स था, नीचे माइनस एक्स बन गया, क्योंकि ये प्लस आया था लेकिन इसको हमने चेंज साइन की थी, माइनस एक्स बना, तो ये बन जाएगा माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स। अब हमारे पास और एक पॉलिनोमियल हम इसको कहेंगे, अब इसको हमने फिर से डिवाइड करना है, यानी अब आपने देखना है एक्स को आपने माइनस सिक्स एक्स बनाना है, तो क्या करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस सिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर आप लिखेंगे क्वेश्चन में जो दूसरा हिस्सा होगा इसका माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स से आपने फिर वन को भी मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे इस तरीके से हम करेंगे। तो फिर से हमने क्या करना है, साइन को चेंज करना है, जैसे ये माइनस बनेगा प्लस और ये माइनस भी बनेगा प्लस, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ये ही लिख रहा हूँ, ये आप खुद लिख सकते हैं। तो इसके बाद ये दोनों खत्म होंगे, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा फिर सिक्स और ये सिक्स, दोनों प्लस है तो प्लस, तो इसका मतलब है केस फर्स्ट में हमारे पास जो एक्चुअल डिवीजन से रिमाइंडर आया दैट इज ट्वेल्व, और एज पर द रिमाइंडर थ्योरम दैट इज अगेन ट्वेल्व। इसका मतलब है वी हैव ऑब्जर्व हियर बाय एक्चुअल डिवीजन द रिमाइंडर इज सेम व्हाट द रिमाइंडर थ्योरम सेज अबाउट द रिमाइंडर। नाउ लेट अस टेक द केस सेकंड वेयर वी हैव टू डिवाइड द सेम पॉलीनोमियल बाय एक्स माइनस टू, तो यहां पर भी फिर भी आपने एक्स को मल्टीप्लाई करना है एक्स, ताकि एक्स स्क्वायर बने। तो आगे हम क्या करेंगे, जब हम इसको एक्स से फिर माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम माइनस टू एक्स। तो इस तरीके से आप दोबारा से फिर हमें साइन को चेंज करना है, फिर हमें देखना है कि क्या बचेगा वहां पे, फाइव एक्स माइनस और प्लस टू एक्स जब जोड़ेंगे आप तो माइनस थ्री एक्स आपके पास आएगा प्लस सिक्स। तो अब क्या करना है आपने, आप एक्स को आपने माइनस थ्री एक्स बनाना है, तो दैट मीन्स यू नीड टू मल्टीप्लाई बाई माइनस थ्री, तो यहां पर लिखेंगे माइनस थ्री, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस थ्री प्लस सिक्स। अब फिर से आप साइन को चेंज कीजिए, क्योंकि अब ये माइनस था पहली माइनस थ्री एक्स था, तो इसको भी प्लस बनेगा, ये भी प्लस बनेगा, माइनस थ्री प्लस थ्री विल गो, प्लस सिक्स माइनस सिक्स विल गो, वॉट विल बी दियर, देयर विल बी द रिमाइंडर जीरो। सो इन दिस वे हमने ये पता किया है एक्चुअल डिविजन से कि वेन यू टेक एक्स एज अ टू एंड वेन वी डिवाइड एक्स द पॉलिनोमियल बाय एक्स माइनस टू वी गॉट द रिमाइंडर जीरो। और रिमाइंडर थ्योरम ने भी हमने पहले ही कहा था कि आप इस केस में जीरो आपके पास रिमाइंडर आएगा। इस तरीके से हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी जानकारी हासिल की है। अब आखिर पे हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या कुछ आज सीखा है। सबसे पहले हमने क्या सीखा है, फैक्टर थ्योरम क्या है हमारे पास है, यानी फैक्टर थ्योरम इसका स्टेटमेंट फिर से हम देखते हैं। If P of x is a polynomial of degree n greater or equal to 1, then x minus a is the factor of P of x if a is the zero of P of x, that is if P of a is equal to 0. ये स्टेटमेंट था उसका। और उसके बाद हमने रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ी है, रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, अगर P of x एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 और 1 से ज्यादा है और a आपका कोई भी रियल नंबर है, सो वेन यू डिवाइड P of x बाई x माइनस a वी गेट द रिमाइंडर P of a, तो ये हमने अभी सीखा है। तो इस तरीके से ये दो जो कॉम्पिटेंसीज है इसमें, एक तो फैक्टर थ्योरम और दूसरी जो रिमाइंडर थ्योरम है, इनको हमने सीखा है आज, और इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में भी हमने जानकारी हासिल की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।